नमस्कार दोस्तों, आरएफ चैनल टीचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो साइज के हिसाब से इसे हमने अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। लंबाई 14.5 इंच ली है, 13.5 इंच तैयार होगी। शोल्डर 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच, और देखिए गले की चौड़ाई 3 इंच ली है। गहराई इसकी 10.5 इंच ली है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो ये राउंड गले का डिजाइन है। देखिए इसकी चौड़ाई हमने ज़्यादा ली है 1/2 इंच, तो चौड़ा गला होगा। अब देखिए इसको बुकरम के ऊपर निकाल लेना है गले को। तो बुकरम को फैला कर रखेंगे और जहाँ से देखिए गले का निशान बनाया है वहीं से इसको बना लेना है। तो अगर गले पर डोरी लगाते हैं तो थोड़ा सा 1/2 इंच चौड़ाई अगर इसकी बढ़ाते हैं, 2.5 इंच चौड़ाई से तो नॉर्मल गले की लेनी चाहिए। यहाँ पर हमने 3 इंच ली है डिजाइन, इस पर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ये राउंड गले का डिजाइन बन के तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हमने बुकरम के ऊपर इसे कट कर लिया है। अब अस्तर और कपड़े पर पहले सिलाई लगा कर इसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, कपड़े की सीधी वाली साइड में रखते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरह अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर किनारे से एक सिलाई और लगानी है। सिलाई लगाने के बाद जो कपड़ा जहां पर ज़्यादा है कट करके अस्तर वाले कपड़े के साइज का कर लेना है। अब इस तरह देखिए बराबर से मोड़ते हुए एक निशान बना देंगे सीधा गले के बीचों बीच। तो इस तरह एक निशान बना दिया है। उसके बाद देखिए जो गला कट किया है उसे कपड़े पर रख के हमने प्रेस कर दिया है, तो ये अच्छे से इस पर चिपक जाता है बुकरम जो है। उसके बाद देखिए नीचे वाली साइड से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अब देखिए दोनों निशानों को मिलाकर रखना है और गले पर सिलाई लगा देना है पूरे गले पर। तो पहले हमने देखिए बीच में जो है उसे सिलाई डाल दी है, बीचों बीच एक सिलाई डाली है, उसके बाद पूरे गले पर डाल देंगे। तो पहले बीच वाली सिलाई डालेंगे तो थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए गले को कट कर लेना है। इस तरह से कट करने के बाद कट लगा देंगे। तो हमने देखिए कट लगा दिया है। अब इसको अंदर की तरफ पलट देना है और गले के ऊपर अच्छे से बनाते हुए एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई लगा दी है गले के ऊपर, गला हमारा तैयार हो गया है। अब हमें इस पर डिजाइन रखनी है। तो डिजाइन के लिए सबसे पहले देखिए डोरी बनाकर तैयार करेंगे इसी कपड़े की। तो इस डिजाइन में ये डोरी से ही पूरा डिजाइन बनेगा। तो इस तरह से डोरी पहले तैयार कर लेंगे। अब इसको पलट कर सीधा करेंगे। तो देखिए ज़्यादा मोटी डोरी भी नहीं लेंगे, तो इस तरह से पतली ही डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब इसको देखिए 2-2 इंच की कट करना है। 2 इंच से थोड़ी सी बड़ी ही ले लेना है। 2 इंच 2 पॉइंट की कट कर लेंगे या थोड़ा सा और ज़्यादा रख सकते हैं, 2.5 इंच की कट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से पहले गले वाली साइड से इसको इस तरह रखते हुए पूरे गले पर लगाना है। एक बराबर से ही सारी डिजाइनें रखनी हैं, तो एक बराबर से रखते हुए इस तरह पूरे गले पर लगा देंगे पहले।
तो इस तरह देखिए डोरी को लगा दिया है। उसके बाद इस तरह से इसको पलटेंगे, बाहर वाली साइड में इसको इस तरह पलटना है और बिल्कुल गले के बिल्कुल किनारे से इस पर एक सिलाई लगा देंगे तो ये बाहर वाली साइड इस तरह से हो जाएगी। तो इस तरह देखिए इसे पलटते हुए सिलाई लगा दी है। अब इन डिजाइनों पर एक एक मोती लगा देंगे। पूरे डिजाइन पर देखिए अब इसी तरह से मोतियां लगा लेनी है, एक एक मोती हर एक डिजाइन पर लगानी है। तो थोड़ा सा डोरी जो है उस पर भी पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे तो उस पर भी सिलाई लग जाएगी और मोती भी लग जाएगी साथ में ही। तो इस तरह देखिए हमने पूरे डिजाइन पर मोतियाँ लगा दी। बस ये इसी तरह से सिंपल इसे रखेंगे, ज़्यादा डिजाइन इस पर नहीं, ज़्यादा हैवी नहीं बनाएंगे। बहुत ही अच्छे इसका लुक आएगा, सिंपल ये गले का ये डिजाइन है। अब देखिए दोनों साइड से इस तरह से बराबर दूरी पर प्लेट सीज के बना देने हैं। तो डिज़ाइन हमारा बनके तैयार है, अब बाद में गले पर डोरी लगा देंगे। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।